तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक मैट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई एक सब पीसी है जिसमें एमएसआई का मदरबोर्ड लगा है और उसमें आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसको आप कैसे अनेबल करेंगे वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी बहुत जगह यूज़ होती है, जैसे आप कोई एमुलेटर चला रहे हैं या फिर कोई भी वर्चुअल बॉक्स, ऐसी जैसी चीज़ों में ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपके पास अगर एमएसआई का मदरबोर्ड वाला कोई पीसी है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखना पड़ेगा जहाँ पर आप बायोस मेन्यू में बूट करेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद सिंपली F7 दबा के आप एडवांस सेटिंग में आ जाइए और वहाँ से आपको OC यानी ओवरक्लॉकिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप जब ऊपर जाएंगे, जैसे मैंने नीचे कर रखा, तो ऊपर एक बार जाएंगे आप तो आपको एक सेटिंग मिलेगी, जैसे मैं दिखा देता हूँ ऊपर जाके। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं ऊपर आपको एक OC एक्सप्लोर मोड, मतलब ओवरक्लॉकिंग एक्सप्लोर मोड आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सिंपली आपको इसको एक्सपर्ट मोड में रखने के बाद आपको नीचे, सबसे नीचे जाना होगा CPU फीचर्स। तो दोस्तों, इसमें जब आप चले जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक, तो दोस्तों इसको भी आपको एनेबल कर लेना है अगर आपके PC में डिसेबल है तो, और उसके बाद आपको एक इंटेल VTD टेक, ये दोनों आपको एनेबल कर लेना है। तो दोस्तों, इनेबल करने के बाद सिंपली आप जब एस्केप बटन दबाएंगे तो सिंपली आप मेन मेन्यू में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, वहां से सिंपली आपको सब कुछ सेव करके आपके PC को रीबूट कर देना। तो दोस्तों, रीबूट होने के बाद सिंपली आपकी जो दोनों वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी थी और जो सेकंड वाली इंटेल VT टेक्नोलॉजी थी, वो दोनों आपकी इनेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपने MSI के मदरबोर्ड में वर्चुअलाइजेशन को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।